धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी आजसू में हुए शामिल। आज रांची स्थित आजसू कार्यालय में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी को माला पहनाकर उन्हें अपने पार्टी में शामिल किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी ने कहा कि मैं आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने पार्टी में शामिल किया। मैं पूरे निष्ठा के साथ इस पार्टी में काम करूंगा। वो संभाला और धनबाद में वकालत का पेशा शुरू किया। उस समय लगा कि शोषित पीड़ित और जो यहाँ पर लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, इसको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे समय में मुझे जो आंदोलनकारी युवक थे, जो छात्र नेता हुआ करते थे ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के, और इनके देवसनंद राजेंद्र मेहता जी और सुदेश बाबू और गुगल कच्छ, बहुत सारे लोग थे, जो विनोद भगत जी, सब लोगों के नेतृत्व में वहाँ देखा कि हम लोग बहुत कम होते थे। तो हम लोगों को ये एहसास हुआ कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ही एकमात्र ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से अपनी जान को कुर्बानी देकर झारखंड के अस्मिता का रक्षा करने के लिए, यहाँ के युवाओं के रक्षा करने के लिए, जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ शोषित पीड़ित दबे कुचले लोगों के लिए इनके पास सोच है और इसके लिए आंदोलन किए। उस आंदोलन में हम लोगों को भी जेल जाना पड़ा कई बार, अलग राज्य के आंदोलन के लिए, जो सर्वप्रथम सबसे बड़ा भूमिका अगर कोई निभाया, कोई भी क्लेम करे तो हम लोग कह सकते हैं वो सिर्फ भाजपा पार्टी ही है जो इन्होंने अलग राज्य का आंदोलन को आगे बढ़ाया, गुरिल्ला युद्ध किया, लोग जेल गए और जाने के बाद मुख्य भूमिका में ये आए। ऐसे समय में सुदेश महतो जी जो झारखंड के भविष्य के रूप में वर्तमान समय में नजर आ रहे हैं कि इनके अलावा अगर झारखंड के लोगों का बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड झारखंड का भविष्य अगर है, झारखंड के लोगों का दर्द को अगर कोई समझ रहा है, कुछ करना चाहते हैं झारखंड के लिए, निस्वार्थ भाव से अनडिस्प्यूटेड व्यक्तित्व हैं जो पूरे पूरे राज्य में सिर्फ इनकी ओर निगाह लगाकर बैठे हैं, और आज इन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से झारखंड में आजसू के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए नीति के साथ हर तबके के लोगों को लेकर के आगे चलने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए जो बात इन्होंने सोचा है और किया है, मैं भी पूरा क्लास में रहा हूं और जो सुना है, मैं वादा करके बताना चाहता हूं कि आने वाला दिन जो अगला चुनाव होगा वो निश्चित रूप से आजसू का होगा और ये आजसू ही का सुप्रीमो हम लोगों के देवशरण। वहीं इस कार्यक्रम में आजसू के प्रवक्ता देवशरण, प्रमोद चौरसिया, वीरेंद्र निषाद, उमाकांत रजक, रामचंद्र चाती, रतिलाल सहित आजसू के अनेकों कार्यकर्तागण उपस्थित थे।